गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जिस तरह से आपने डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा, क्लासीफाई किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट थ्री टाइप्स की फोर टाइप की सीरीज़ में डिवाइड करेगा, थ्री डी सीरीज, फोर डी सीरीज, फाइव डी सीरीज एंड सिक्स डी सीरीज। आर यू कैन से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। तो अब हम चलते हैं इनके एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ दैट्स मीन यू कैन से एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियाई। एज यू नो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। That's mean when we move from first group to 17 group, size decreases. In the D block element, there are 10 element, group 3 to group 12, atomic size decreases. If we see the first transition series, that's mean the element from scandium to zinc, scandium 30 to zinc, scandium 21 to zinc 30. What you observe that size decreases, but what happen in the size means size decrease तो करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा variation आता है शुरुआत में। that's mean जब हम scandium से चलते हैं, scandium, titanium, vanadium, chromium, तो आधी series तक पहुँचने के बाद यानी 4-5 element तक जब हम पहुँचते हैं तो size तेज़ी के साथ decrease करता है, और उसके बाद बीच में आने के बाद size थोड़ा कम डिक्रीज़ करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना डिक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचते हैं एलिमेंट्स में कॉपर और जिंक के पास में, तो साइज़ डिक्रीज़ करने के बजाय इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो व्हाट वी कैन से ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एट मिड वे द साइज डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज लिटिल स्मॉलर, and at the end of the series slightly increase in the size. That's mean you can say, if you will draw the graph, so you will see decrease, then little increase like this you will see. So why this happen? So first of all, once again I want to tell you, on moving from left to right in scandium to zinc in 3D series, the atomic radii of element first decreases, and decrease of size at midway will be smaller, and at the end of the series slightly increase in the size. How it happen? First of all, decrease in the size. As we move from left to right, number of valence electron, as you can say, nuclear charge increases and size decreases. Means ये पहला जो statement है कि size decrease करता है, वो nuclear charge increase करता है और number of unpaired electron increase करते हैं, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, एट मिड वे स्लाइटली लेस डिक्रीज इन द साइज, मीन्स कम डिक्रीज करता है। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन एडेड इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। सपोज यू वांट टू ड्रॉ द आयरन स्ट्रक्चर, सो यू विल सी दैट द कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन इज 3d6 एंड 4s2. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6, there will be one paired electron here. So what happened? Due to this paired electron, repulsion takes place between these two electrons and attraction towards the nucleus for 4 electron, and one repulsion towards the outside of the nucleus, and size little bit less decreases. As the number of paired electron increases in the shell, that's mean अगर हम आयरन के बाद में जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, कोबाल्ट पे, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो ऐड होता है और पेयरिंग करता है, जिसकी वजह से रिपल्सन और बढ़ जाता है, बाहर की तरफ इस आइटम जो है एक्सपेंड करने लगता है, और साइज में जो कम होना चाहिए था उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। और जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो सारे के सारे पेयर लगभग बन चुके होते हैं, और हम क्या देखते हैं कि कोबाल्ट और निकल के साइज़ 3D सीरीज में सबसे छोटे होते हैं। दैट्स मीन कोबाल्ट और निकल दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली 125 पिकोमीटर, ये इनकी एटॉमिक रेडियाई है।
और उसके बाद जो निकल के बाद कॉपर आएगा और जिंक आएगा, तो कॉपर और जिंक में थोड़ा थोड़ा साइज़ इंक्रीज करता है, क्योंकि कॉपर में कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, ज़्यादा रिपल्सन होता है, और साइज अट्रैक्शन के कंपेरिजन में रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से साइज़ बढ़ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू टेल द एक्सप्लेनेशन हाउ द वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज ऑन मूविंग फ्राम स्कैंडियम टू जिंक, सो यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजली एज वी मूव फ्राम लेफ्ट राइट, फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, दैट्स वाई साइज डिक्रीजेज। ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन विल टेक्स प्लेस, सो लेस डिक्रीज इन द साइज, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो स्लाइटली इंक्रीज इन द साइज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द आयनिक रेडियाई, दैट्स मीन वेन द एटम्स फॉर्म आयन्स, आयनिक रेडियाई। Especially in the 3D series, the common oxidation state of 3D series is plus 2. Then we see the ion forming plus 2, like scandium plus 2 or titanium plus 2, or you can say vanadium plus 2, then chromium plus 2, and at last zinc plus 2. So the decrease in the regular size of ions. Size वैसे ही decrease करता है जिस तरह से उसमें एटॉमिक के केस में करता है, कॉपर और जिंक के साइज थोड़ा सा बड़े होते हैं, और ये जो है सारे अपने पर्टिकुलर एटम से छोटे होते हैं, दैट्स मीन स्कैंडियम प्लस टू स्मॉलर देन स्कैंडियम, टाइटेनियम प्लस टू इज स्मॉलर देन टाइटेनियम, वाइल क्रोमियम प्लस टू इज स्मॉलर देन क्रोमियम। ओके स्टूडेंट्स, student if we see the size on moving from downside, that's mean if we observe in the 3D, then 4D, 5D and 6D series, that's mean on moving from top to bottom, you will see the element of 3D series as scandium, and here you want to see that's yttrium, then lanthanum, and then actinium, and here you want to see this is the titanium, then zirconium and hafnium. So on moving from top to bottom, according to the concept, the size should be increased on moving downside of the group, because the number of shells will increase. But what happened when we see the element of the 4D series and the 5D series, the size of the elements of 4D series is little smaller or equal with the 5D series. या तो छोटे हैं या बराबर हैं या बहुत कम वेरिएशन है, जबकि 5D सीरीज के एलिमेंट को बड़ा होना चाहिए, यानी कि जिरकोनियम साइज में बड़ा होना छोटा होना चाहिए, और हाफ नियम को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हाफ नियम नीचे है और इसका एक शेल बढ़ गई है। लेकिन होता क्या है कि हाफ नियम का साइज़ छोटा है जिरकोनियम के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं लैंथानम का एटॉमिक नंबर है 57 और इसके बाद इसका नंबर है 72, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यट्रियम का नंबर है 39 और 40। तो ये आप देख रहे हैं 39 से 40 जा रहे हैं, और यहाँ पे 57 से 72 जा रहे हैं, यानी कि बीच के यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का गैप है, जिसको हम लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स बोलते हैं। ड्यू टू दिस गैप, दिस इज़ कॉल्ड अ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, द साइज ऑफ द हाफनियम इज़ वेरी स्मॉल, एंड व्हेन वी कंपेयर ऑन डाउन साइड ऑफ द ग्रुप, दैट्स मीन जिरकोनियम्स आर द लार्जर देन द हाफनियम। जिरकोनियम की रेडियाई जो है हाफ नियम से ज़्यादा हो जाती है, बल्कि थोड़ा सा छोटा है हाफ नियम। तो आप ये मान के चलिए कि वैसे तो ट्रेंड आपका बोलते हैं ऑन मूविंग फ्राम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज शुड बी इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, बट व्हेन वी सी द एलिमेंट्स ऑफ द 5D series ऑफ एलिमेंट्स आर लिटिल स्मॉलर आर इक्वल इन साइज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यू शुड नो द वर्ड दिस एंड यू विल see after the D block element when you will study about the lanthanide and actinide, so what the meaning of the lanthanide contraction, this is the most important point. Now moving towards the metallic property. Dear student, most of the D block element show all the properties of metal like luster, malleability, ductility, good conductor,
of electricity and lush and showing the hardness, but some metals like zinc, manganese, mercury, they are have less number of metallic property. What happened the metallic property of the D block elements? Metallic property. Metallic property of D block element, dear student, depends upon the number of unpaired electron in the D, or you can say vacant orbital of D. If the larger number of the unpaired electron in D, they can form large number of covalent bonds with the metals. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं उतने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, और जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो उतना ज़्यादा मेटेलिक नेचर शो करता है और उतना ज़्यादा हार्ड होता है. क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मॉलिब्डेनम में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और टंगस्टन में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ unpaired electron, that's why chromium, molybdenum and tungsten are the most hard element of D block element. While if we consider the zinc, cadmium, mercury, they do not have any unpaired electron. Agar aap zinc ki baat kare to zinc mein ek bhi unpaired electron nahi hai, cadmium mein bhi ek bhi unpaired electron nahi hai aur mercury mein bhi ek bhi unpaired electron nahi hai. So these elements are not very hard, they are less hard, as you can say they are soft. Mercury is liquid due to this one because they do not form the covalent bond with the other element of mercury. So dear student, the concept is this: the larger the number of unpaired electron in the d orbitals, more will be the hardness and more will be the metallic property. Student, now moving towards the very important property, that is ionization enthalpy, or you can say ionization potential, ionization enthalpy. What is the meaning of ionization enthalpy? That's mean energy required to lose one electron from the outermost shell to form an ion is called ionization enthalpy. Suppose you want to form any metal to metal ion, this is a metal and you want to form M positive. M से M positive बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको इसको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी. The amount of energy given to the metal to form metal ion is called ionization enthalpy or ionization energy, or you can say ionization potential. As you know, in the periodic table, when we move from left to right, ionization enthalpy increases. Left hand side mein S block ke element hain, uske beech mein D block ke element hain, last mein P block ke element hain. To agar hum dekhen left to right decrease increase karti hai आयनाइजेशन इनथैलपी, तो सबसे कम होगी एस ब्लॉक की और सबसे ज़्यादा होगी पी ब्लॉक की. डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज़ द आयनाइजेशन एनथैलपीज मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट वाई लेस देन द पी ब्लॉक एलिमेंट. यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में आयनाइजेशन एनथैलपी एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज़्यादा और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, हम जब से लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं इंक्रीज करता है. जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है साइज छोटा होता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाती है. लेकिन अगर हम खाली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इसको कंसीडर करें, तो अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE1 कह सकते हैं उसे. और अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ती है उसे बोलते हैं IE2, आर यू कैन से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंड फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन से IE3. दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दैट्स मीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and second electron, that will be the second ionization enthalpy, and third electron, that will be third ionization enthalpy. Student, hum batana kya chah rahe hain ki hum jab ye baat keh rahe hain left to right jaane pe ionization enthalpy increase karti hai,
लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट में इंक्रीज करती है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल रेगुलर नहीं है जिस तरह से होना चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपर वे में बढ़ती चली जाए, ऐसा प्रॉपरली नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका साइज़ भी प्रॉपरली डिक्रीज नहीं हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन आता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है लेकिन इसका ट्रेंड बिल्कुल रेगुलर नहीं है। जब आधी रास्ते के बाद में यानी फाइव एलिमेंट्स के बाद में पेयरिंग शुरू हो जाती है तो साइज़ का डिक्रीज भी कम हो जाता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतना जितनी आर्डर में इंक्रीज़ करनी चाहिए वो इंक्रीज़ उस हिसाब से नहीं करती है। लास्ट में जा कर के साइज़ बढ़ भी जाता है तो उस केसेस में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो वी कैन से ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज बट द ट्रेंड इज़ नॉट वेरी रेगुलर। मीन्स ये कि आप उसको हमेशा कहें कि हर एलिमेंट के बाद डेट्स मीन स्कैंडियम के बाद अगर हम टाइटेनियम में जाएं और टाइटेनियम के बाद क्रोमियम वैनेडियम में क्रोमियम में मैग्नीज में अगर ऐसे चेक करेंगे तो बढ़ता चला जाए तो ये आपको कहीं कहीं पे इसमें रॉन्ग मिलेगा क्योंकि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि डिक्रीज कर रही है। और आप क्या देखते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स मीन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे अगर टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यू कैन से डिक्रीजेज डिक्रीज करता है। ये जनरल ट्रेंड आपको बता रहा हूँ जो पीरियडिक टेबल में हम कंसीडर करते हैं बिकॉज साइज ऑफ द आइटम इंक्रीजेज। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी और साइज बढ़ता चला जाएगा। जब साइज बढ़ता चला जाएगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम 3D, 4D और 5D को चेक करते हैं तो 4D की आयनाइजेशन एंथैल्पी का ज़्यादा होनी चाहिए, 5D की एंथैल्पी कम होनी चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ गया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 5D के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी इनसे ज़्यादा होती है 4D के एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि 5D के एलिमेंट जो हैं उनमें आपका साइज़ छोटा हो जाता है कंपेरिजन टू द 4D सीरीज एलिमेंट या बराबर हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। सो यू कैन से पहला पॉइंट तो आपका क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक से ज़्यादा और पी ब्लॉक से कम होती है। नंबर दूसरा है ऑन मूविंग इन द डी ऑर्बिटल्स दैट्स मीन डी ब्लॉक यू विल सी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज बट ट्रेंड इज नॉट वेरी रेगुलर। ट्रेंड बिल्कुल रेगुलर नहीं है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5D एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4D एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कहीं कहीं पे ज़्यादा है या कहीं इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, एज यू नो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल बिकॉज दे हैव टू इनकम्प्लीट शेल्स एंड दे हैव मोर देन वन वैलेंसी आर यू कैन से दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं या जिसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए होता है कि उनमें लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ज़्यादा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं, बीच की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में इनक्रीज़ करते हैं। अगर हम देखें स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो व्हाट वी विल सी इन दिस, यू विल सी द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इन डी, थ्री अनपेयर्ड इन डी, फाइव अनपेयर्ड इन डी एंड टोटल सिक्स अनपेयर्ड, फाइव अनपेयर्ड इन डी, फोर अनपेयर्ड,
3 unpaired, 2 unpaired, 0 unpaired in D, 1 unpaired in S, and 0 unpaired in all. जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ गए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले गए. ये सारे के सारे एलिमेंट्स, मोस्टली एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम प्लस टू एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. उसी तरह से टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम भी प्लस टू, प्लस थ्री और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वैनेडियम प्लस टू, प्लस थ्री एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. क्रोमियम प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. मैग्नीज प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. उसी तरह से आयरन की बात करें, आयरन प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ सी द कोबाल्ट प्लस टू, प्लस थ्री. तो आपने देखा कि यहाँ से इधर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट टू थ्री, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, फाइव सिक्स बढ़ रही है, और अब फिर इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है. इसी तरह से निकल प्लस टू, प्लस थ्री, कॉपर प्लस वन, प्लस टू एंड जिंक प्लस टू. तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिडवे पे, बीच में पहुंचने पर काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्टली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जिंक जो है सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये वेरिएबल वैलेंसीज नहीं शो करता है. इसी तरह से सारी सीरीज़ में आप देखेंगे कि बीच के एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन हर सीरीज़ की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मोस्टली एलिमेंट शो कर रहे हैं. आप देख रहे हैं प्लस टू, 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 प्लस टू एंड प्लस टू. मोस्टली एलिमेंट थ्री डी सीरीज के प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. तो आपका 3D सीरीज की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, 3D एलिमेंट्स इज प्लस टू. और अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3D एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है. आप देख रहे हैं कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है. तो मैग्नीज इज़ द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैगनीज इज प्लस सेवन. सिमिलरली अगर हम 4D सीरीज के एलिमेंट की बात करें तो वो भी इसी तरह से 10 शो करेंगे और उसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएंगी. लेकिन 4D सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू नहीं होगी, 4D सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होगी, और उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी आपकी वो प्लस एट होगी. और उसी तरह से फाइव, ये 4D के लिए मैंने बताया, 4D सीरीज की हाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट होगी. उसी तरह से 5D सीरीज के एलिमेंट्स में भी प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट होगी. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. आई हैव एक्सप्लेन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर वेरिएशन, हाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज. Today I have discussed. In the next lecture, remaining properties I will explain and attend. Okay, good night.